हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। हम आज रिव्यू करने वाले हैं दिशा पब्लिकेशन बुक के बारे में। तो यह बुक जीके से संबंधित है और इसमें बात करें तो इसमें 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव हमें दिए हुए हैं। यदि इस बुक की अगर बात करें तो यह बुक यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, स्टेट के पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, रेलवेज के लिए इम्पोर्टेंट है और जो डिफेंस एग्जाम है उनके लिए भी है। बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि हम इसमें टॉपिक की बात करें तो इसमें इतिहास दिया हुआ है, इतिहास टॉपिक्स कंप्लीट है, कला एवं संस्कृति है, विश्व एवं भारत का भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय राज्य व्यवस्था भी है, योजनाएँ हैं, अधिनियम है एवं संवैधानिक जो संशोधन है वे भी दिए हुए हैं और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी दिया हुआ है, पारिस्थितिकी दिया हुआ है, पर्यावरण एवं जो जैव विविधता है वो भी इसमें शामिल है, सामान्य विज्ञान है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, उसके बाद बात करें कंप्यूटर आईटी है और सामान्य विज्ञान और जो सम्स जो करेंट अफेयर है वह भी इसमें दिया हुआ है। अब हम इसमें बात करते हैं, इसमें टॉपिक की अगर बात करें तो अंदर इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। जैसे इसमें दिया है कि जो गंधार कला किसके अधीन फली फूली, तो इसमें अगर बात करें इसमें जो प्रश्न है प्रश्न के साथ इसमें उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसमें यदि टॉपिक की अगर बात करें तो इसमें जो टॉपिक है इसमें हर टॉपिक के जो विकल्प है वह हमें दिए हुए हैं। जैसे विश्व इतिहास की अगर बात करें तो पहले इसमें जो विश्व का जो इतिहास है उसके सभी ऑब्जेक्टिव दिए हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उससे संबंधित पूरे हमें ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें हर टॉपिक के हमें इसमें ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। यदि हम इसमें बात करते हैं कि और हम इसमें आगे देखते हैं यदि हम इसमें ऑब्जेक्टिव की अगर टोटल बात करते हैं कि इसमें किस सब्जेक्ट के कितने ऑब्जेक्टिव है, यदि हम इसमें बात करें कि इतिहास एवं जो कला संस्कृति है इसके 5 चैप्टर है और इसमें टॉपिक की अगर बात करें तो इसमें 35 टॉपिक है और उसके क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें 1921 टोटल क्वेश्चन है किसके, तो इतिहास एवं कला संस्कृति के। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं तो विश्व एवं जो भारत का भूगोल है इसके 2 चैप्टर दिए हुए हैं, एक विश्व का भूगोल और दूसरा भारत का भूगोल, तो इसमें टॉपिक की अगर बात करें 26 टॉपिक है और क्वेश्चन की बात करें तो 1736 में टोटल क्वेश्चन दिए हुए। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो इसमें एक चैप्टर है भारतीय राज्य व्यवस्था ही और इसमें टॉपिक की बात 17 टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं 1855 इसमें टोटल क्वेश्चन है। उसके बाद अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें एक चैप्टर है, मतलब अर्थव्यवस्था ही सेम स्वयं है और उसके बाद टॉपिक की अगर बात करें तो इसमें 11 टॉपिक है और 772 इसमें क्वेश्चन है। उसके बाद से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बात करें इसमें 9 टॉपिक है, 316 इसमें प्रश्न है। उसके बाद बात करें जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसमें 43 टॉपिक है और क्वेश्चन की बात करें तो 2840 में क्वेश्चन है। उसके बाद प्रमुख सरकारी पहले की बात करें तो इसमें जो भी योजना है उससे संबंधित बात करें 3 टॉपिक दिए हुए हैं और क्वेश्चन की बात करें इसमें 75 इसमें क्वेश्चन है। उसके बाद सामान्य ज्ञान की बात करें इसमें 2 टॉपिक है और 300 इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और जो करेंट अफेयर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उससे संबंधित 2 टॉपिक है और 201 प्रश्न है। तो इस पर टोटल टॉपिक की अगर हम बात करें तो 148 टोटल टॉपिक है और इस क्वेश्चन की बात करें तो 10,016 इसमें क्वेश्चन है। अब इसकी बात करें तो इसके जो MRP जो प्राइस है वह 900 रुपये है। यदि हम इसे अमेजन या किसी भी ऑनलाइन साइट से खरीदते हैं, वेबसाइट से खरीदते हैं, तो यह हमें 500 से 600 के बीच में मिल जाएगी। तो यह थी दिशा पब्लिकेशन बुक का रिव्यू।